Uh, our next session is our trailblazer session. हमारा अगला सेशन हमारे युवाओं के द्वारा लिया जाएगा। या एंड फॉर दैट आईड लाइक टू वेलकम स्वर्णिमा एंड निर्मल टू टेक ओंसेशन। उसके लिए मैं स्वर्णिमा और एलन को बुलाना चाहूंगी। निर्मल नहीं। ओह सॉरी, निर्मल भी फिनिश्ड। एलन एंड स्वर्णिमा टू टेक दूसरे सेशन। एंड रिक जय एशुमा सी, that's how you say it, no? जय मसीकी. Oh, जय मसीकी. Okay, sorry. जय मसीकी. Thank you so much. Um, so today we're going to be looking at uh, the life of uh, one extraordinary missionary um, person who came to India. और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत मिशनरी जो एक व्यक्ति भारत में आए. And uh, so his name is William Carey. उनका नाम विलियम कैरी छोटे से नगर में इंग्लैंड के पर्स बरी में सो ही उनके घर में वे पांचवेस्तान के बच्चों में और उनके जो माता पिता थे वो बुनकर बुनाई का काम करते थे और जब आप विलियम केरी को देखते हो कि जब वो उम्र में बढ़ रहे थे बहुत ही जानकारी पाने की उत्सुकता रखने वाले व्यक्ति थे और उन्हें जो निसर्ग से जुड़े हुआ जो विज्ञान है बॉटनी ये सब बातें बहुत पसंद हुआ करते थे एंड ही चर्च ऑफ इंग्लैंड और उसे इंग्लैंड की जो कलीस चर्च ऑफ इंग्लैंड में उनका बड़ो उन्हें का पाल पोषण हुआ एंड द दॉसपल वॉज नॉट समथिंग न्यू टू हिम और उनके लिए सुसमाचार कुछ नया नहीं था सो वेन एट द एज ऑफ सिक्स और जब वो छह साल की उम्र का था his father was appointed as one of the important persons as as a clerk in the church और उनके पिता को एक महत्वपूर्ण पद मिला वहां पर कि जो कलीसिया में एक एक क्लर्क की जिम्मेदारी दी गई एंड विलियम केरी नेवर वेंट टू स्कूल और विलियम केरी कभी स्कूल नहीं गया था बट ही हैड वन गिफ्ट दैट वाज विद हिम लेकिन उसके पास एक वरदान था जो उसके ही लव्ड लैंग्वेजेस उसे भाषाओं से बहुत प्रेम था सो Uh, so later on, he went, um, uh, you know, helping his dad in the business that they were at. And at the age of six, he taught himself Latin. And that's how his journey began in learning the languages. And then he, he started to um, move and start making shoes. So that became one of his passions. और फिर आगे जाकर उन्होंने एक जो है जूते बनाने का कारोबार शुरू किया और वो उनका एक पसंदीदा काम होने लगा एंड स्पेंड टाइम रीडिंग द वर्ड एंड ऑल्सो टीचिंग हिमसेल्फ न्यू लैंग्वेजेस और जैसे समय बढ़ता गया वो समय बिताता था परमेश्वर के वचन को सीखने के में और जो है इतर भाषाओं को सीखने में भी सो देन ही लर्न ग्रीक फिर उसने यूनानी भाषा सीखी एंड एट द एज ऑफ ट्वेंटी गॉट मैरिड और 20 साल की उम्र में उसने शादी की एंड सो लेटर एज ही वॉज जर्निंग इन दिस प्लेस एज ही learning मोर लैंग्वेजेस और जैसे वो इस जगह पर यात्रा कर रहे थे और और अधिक भाषाओं को सीखते जा रहे थे ही learned इटालियन डच एंड फ्रेंच और उन्होंने इटालियन डच और फ्रेंच ये तीनों भाषाओं को सीखा ना कैन मी हाउफ कैन स्पीक मोर देन फाइव लैंग्वेजेस और यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमें से कितने लोग पांच से ज्यादा भाषा बोल सकते हो Anybody raise of hands? Okay. Only Pastor Amy I can see. <laughs> right. And later, he had a desire in his heart. So he was he was he was wanting to share about the gospel. And he, and he started going to this place called the Baptist Missionary Society, he was a part of this. Missionary Society, and he was baptized in the

Read the verse Matthew chapter 28, verses 18 to 20. It says, Go and make disciples of all the world, baptizing them in the name of Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. He heard this word and his heart was moved.

After a year of struggle, in April 1973, they left London. Now, it was just not William Carey, it was William Carey, his wife, and his children.

and as they were coming down to India, as they were journeying to India, the only trade route that they had was what the East India Company had built. Had and the missionaries were not allowed to enter India or share the gospel. And the missionaries were not allowed to enter India or share the gospel

हैड टू शेयर अ गॉस्पल टू दिस पीपल एंड देर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और English. वे वहां पर सुसमाचार बांटना चाहते थे लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे वहां पर

बंगाली लैंग्वेज और फिर उनके एक मित्र हुए जो पंडित थे वो उन्हें बंगाली भाषा सिखाने लगे एंड देन टॉक लाइक जॉन्टीन हिंदी और हमारे भाई जॉन्टी जैसे हिंदी में बात करती है उस तरह से बोलने लगे एंड पीपल वुरस्टैंड लिटल बिट अबाउट और थोड़ा थोड़ा तो समझने लगे And then, uh, things started to get really, really bad for William Carey and his family. And they wanted to go back. There were so much of diseases that they were attacked by. And they were really sad that they came to India. But in spite of all of this, William Carey held on to that commandment that he received.

और विलियम के लिए बाहर जाकर उन्होंने एक नौकरी की सो ही वुड प्रीच द गॉस्पल टू द पीपल तो वो जाकर लोगों के सामने सुसमाचार प्रचार करते एंड ही वुड आल्सो वर्क और साथ में वो एक नौकरी भी करते एंड फॉर ऑलमोस्ट 3 टू 4 इयर्स और तीन से लगभग तीन से पांच साल तक वे ऐसा ही करते रहे एंड एट वन फाइन डे और फिर एक ऐसा दिन आया एज ही वाज गोइंग ऑन द Village, you know, he was just passing by. And as there, he saw somebody was dead and they were burying the dead, like they were burning the, the dead body. And they, dead and, body and, and they also saw bringing that dead person's wife and putting it on top of his body and burning them. William Carey ran towards that person and tried to help.

धर्म ने भारत के लोगों को अंधा कर दिया था एंड दिन लैंग्वेज और ये इस कारण उसके हृदय में कार्य हुआ की वो उनके पास सुसमाचार उनकी भाषा में पहुंचाना चाहते थे इस तरह से उनके लिए सच्चा मिशन का जन्म हुआ so he started learning the language and they set out to translate the book of the gospel of matthew into bengali now by this he didn't have anybody to help him he was by himself his, his younger son had died and his wife had become mentally ill और उनकी जो पत्नी है मानसिक रीति से बीमार हो गई थी। सो मच ऑफ पर्सनल स्ट्रगल एंड बैक और कितने सारे व्यक्तिगत चुनौती संघर्ष थे उसके लिए और ये मौका था कि वो सब कुछ छोड़कर लौट लेकिन उसने परमेश्वर के शब्द पर हार नहीं माना एंड देन ही उसके पास और मदद भी आई लंदन से एंड दे स्टार्टेड टू मेक एन आइडिया फॉर देम टू शेयर

ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वो ब्रिटिश uh, सरकार थी इनवाइटेड हिम टू लर्न किया कि वो भाषा को भी सीखे. ट्रांसलेट दैट इंटू इंग्लिश और फिर वो संस्कृत भाषाओं की चीजों को लेकर अंग्रेजी में उसका भाषा so तो हम देखते कृपा दृष्टि उन पर हुई

परमेश्वर ने उसे क्षमता दी नॉट जस्ट वन गॉस्पल ऑफ मैथ्यू बट टुगेदर और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे सिर्फ एक मत्ती की एक पुस्तक ही नहीं परंतु संपूर्ण बाइबल पुराना नियम और नया नियम उसका भाषांतर करने में मदद किया नॉट जस्ट इन वन लैंग्वेज बट दे आल्सो ट्रांसलेटेड टू हिंदी मराठी और एक ही भाषा में नहीं परंतु उन्होंने साथ में हिंदी ओरिया और, और मराठी में भी उसका अनुवाद किया व्हाट वॉज इम्पॉसिबल विद वट वॉज इम्पॉसिबल एट दैट मोमेंट क्षण में जो बात असंभव दिखाई दे रहा था वट वॉज इम्पॉसिबल फॉर टेन ईयर्स जो दस सालों के लिए, लिए महीनों में संभव हो गया And they this out to और वे इसे लेकर लोगों में बांटने लगे एंड पीपल लोग वचन को पाने लगे एंड अ स्ट्रॉन्ग सक्सेस दे ऑफ और ये उन्होंने उसके पर उन्होंने एक मजबूत सफलता को देखा लाइफ ऑफ विलियम कैरी तो यदि आप विलियम कैरी के जीवन को देखो सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू गिव अप उसके पास कितने सारे मौके थे कि वो हार मानकर चला जाता बड़ी नेवर लेट गो ऑफ वर्ड ऑफ गॉड लेकिन उसने परमेश्वर के शब्द को कभी नहीं छोड़ा देसीज

वो कहता है कि परमेश्वर के पास से महान चीजों की अपेक्षा करो। Attempt great things for God. और परमेश्वर के लिए महान चीजों का प्रयास करो इफ ओनली विलियम कैरी डेंट लीव डे और यदि विलियम कैरी उस दिन लंदन को नहीं छोड़ता टुडे वी वुड नॉट द बाइबल्स ट्रांसलेटेड इन दिस मेनी लैंग्वेजेस हमारे बीच

मैं एक वचन कहते अंत करना चाहूंगा रोमियो का दसवा अध्याय चौदह से पंद्रह yeah. रोमियो का अध्याय so चौदह और पंद्रह वचन फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें और प्रचारक बिना कैसे प्रचारक बिना कैसे सुने और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं आमीन आमीन आई जस्ट वांट टू एंड विद वन मोर अकमप्लीशमेंट्स दैट दे मेड ऑफ विलियम और एक बात एक और बात बताकर अंत करना चाहूंगा उपलब्धियां जो उनकी, उनके बारे इंडिया so in और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉलेजों की स्थापना की भारत में school, what we, what we और आज जैसे हम देखते हैं उन्होंने संडे स्कूल को वहां पर उसकी शुरुआत की एंड बिकॉज ऑफ दैट बर्डन इन इन हार्ट

इस तरह से परमेश्वर ने उसकी प्रसन्नता उसके ऊपर रखी और उसका इस्तेमाल किया भारत में सुसमाचार बांटने के लिए और भाषाओं में शास्त्र का अनुवाद और मैं आपका ध्यान विलियम केरी की ओर खींचना चाहूंगा जो आपको के प्रेम की ध्यान रहा है ऑल ऑफ दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ही सब कुछ संभव हो सका क्योंकि उसने पकड़े रहा एंड बिकॉज ही पीपल ऑफ इंडिया क्योंकि वो भारत के लोगों से प्रेम करता यू आर रेडी फॉर योर मिशन तो हम में से कितने लोग तैयार है आपके मिशन के अपना हाथ ऊपर रख सकते हैं और मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना दोहराएं लॉर्ड जीसस

जय मसी की ओके वाई डोट वी ऑल स्टैंड क्यों ना हम सब खड़े हो जाए वेट जिस कौन डू अटल शेक ऑफ ओके शेक ऑफ शेक ऑफ शेक ऑफ वाले हैं Shake off, just a little, little shake off. Everybody, do a little shake off, a little stretch, a little here and there. Yeah, wah, halchar kare, hilaye. A little shake off. Okay. Done. Okay, सुस्ती, please सुस्ती sit. That was mostly for me to calm my nerves. ये ज़्यादातर आप के लिए नहीं, मेरे लिए है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, उसे मैं झटका रही हूँ। So uh, no matter how many times I'm on stage, I'm always nervous. और चाहे कितनी भी बार मैं मंच पर खड़ी रही होगी, लेकिन हर दम मुझे थोड़ा सा डर लग।

And he always believed that women should also be educated. So he educated his wife and her in Sanskrit. Now, this was a privilege back in the days. A, to be born in a high caste family. सबसे पहले जो है कि ऊंचे पद के ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना एंड बी टू रिसीव एजुकेशन और दूसरा कि आप शिक्षण को पा रहे हो बट देन एवरीथिंग इज साउंडिंग रोजी टिल नाउ लेकिन अब तक सुनने के लिए सब कुछ बढ़िया लग रहा है नाउ समथिंग गोस रॉंग अब कुछ तो गड़बड़ होता है सो देयर वाज अ ग्रेट फेमिन ऑफ 1876 टू 78 1876 से लेकर 78 के कालावधि में एक बड़ा आकाल का समय हुआ आर यू लिस्निंग आप सुन रहे हो awesome. हाली हिंदी में So in that great famine, she unfortunately lost both her parents. और उस बड़े आकाल के बीच में दुर्भाग्यपूर्ण बात कि उसने अपने माता पिता को खो दिया. And she was orphaned at the age of 16. और 16 साल की उम्र में वो आनाथ हो गई.

बिहारी Medvi, who was a Bengali lawyer. और इसके बीच में हम देखते हैं कि 1880 की सदी में रमाबाई की ने शादी की और वे एक बंगाली वकील थे उनका नाम बिपिन बिहारी मेडवी था। For us it's sounding very normal, right? She got married. हमें हमारे लिए सुन हमें सुनने के लिए बहुत ही साधारण लग रहा है कि उसने शादी कर ली। But in those days. परंतु उन दिनों में. An intercaste, an interregional marriage was a big deal. कि अंतर जातीय अलग जात के अलग क्षेत्र के लोग जो मिलकर शादी कर रहे हैं वो बड़ी बात हुआ करती थी सो आई एम अज्यूमिंग शी मस्ट हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश फॉर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट और मेरा अनुमान है कि ऐसा करने से उनके साथ उनके साथ बड़ा उनकी बड़ी बुराई की गई होगी नाउ अनफॉर्चूनेटली इन Two years of their marriage, her husband also died, and she only was left with her daughter मानोरामा भाई और ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शादी के दो साल बाद ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई और अब उनके पास सिर्फ उनकी बेटी रह गई थी जिसका नाम now? She's lost her parents. अब क्या हो गया है कि उसने अपने माता पिता को खो दिया है हसबेंड उसने अपने पति को खो दिया है देडिंग इट से बिग डीस्ट इन इंटर रीजन और शादी करने की बात भी बहुत बड़ी थी क्योंकि दो अलग अलग क्षेत्र से लोग हैं और अलग जाति से लोग मिलकर शादी कर रहे हैं एंड नाउडो और अब वो एक विधवा बन गई है

आर्या महिला समाज की स्थापना की दिस वॉज अ सोसाइटी फॉर हाई कास्ट हिंदू वेमेन सो दैट दे के वेमेन एंड द दिल्ड्रेन एंड इट वॉज ऑल्सो अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और यह ऐसी संस्था थी जो uh, हिंदू ऊंचे घराने से जो जाति की जो महिलाएं हैं वो वहाँ कर शिक्षण प्राप्त कर सकते थे और यह संस्था जो थी बाल विवाह के विरोध में भी थी now amidst all of this, she's noticing that there's not much medical care in india, especially for women and children. so she decides she's going to move to britain and pursue medicine so that she can learn, become a doctor, come back to india and give that. Uh,

और एक बात बताना रह गया आपको कि वह बहुत ही चीज़ों को जानने में उत्सुकता रखती थी तो वह बहुत सारे धर्मों के बारे में उसने जानकारी ली थी पढ़ाई की थी और उसे पता था एंड शी um, especially hinduism और ये अलग अलग धर्म से जो शिक्षण उसे वो मिल रहा था खास करके जो हिंदू धर्म से उन सब शिक्षणों से वो खुश नहीं थी

दैट वाई आर वेमेन एंड चिल्ड्रेन ट्रीट एड डिटली जब हम सब जो है एक समान हमारा निर्माण किया गया है तो क्यूँ महिलाओं और बच्चों के साथ में बुरा या निचला सलूक किया जाता है So then she was in Britain, and then she goes on to travel to the U.S., where she has translated books, given lectures throughout the United States and Canada. And then from there, from Britain, she goes to America. She goes to America, where she gives lectures in America and Canada. She was very proficient with languages. And she was very proficient with languages. And she was very proficient with languages. And she goes on to Britain and US and also learns their different languages there. Or were Britain or America, Are you listening? The Hallelujah is getting softer and softer. Hallelujah, Are you listening? So uh, by the end of 1888, she returns to India and और उन्नीस सौ अठारह सौ अट्ठासी के सदी में वो भारत लौट कर आई एंड शीजन दैटन होम फॉर लर्निंग स्पेशली फॉर डेडीटेड और फिर उसने ये तय किया कि वो एक ऐसा घर शुरू करना चाहती है खास रीति से जो विधवाएं हैं और महिलाओं के सीखने के लिए So in 1889 she opens Sharada Sadan, which is home for learning. और हम देखते हैं 1899 की सदी में उन्होंने घर की शुरुआत की जो है शारदा सदन जो है सीखने के लिए घर। Let's go to the next slide. We can see some pictures. अब उन कुछ तस्वीरों को देख सकते हैं। That's her and her daughter Manorama Bai. और वो है और उनकी बेटी है Manorama Bai.

So she accepted Christ and got saved in Britain in 1883. And here's one very beautiful quote that I could find from the internet. Let's read it together. No, let's not read it together. Pastor will translate it. I will read it, Pastor will translate. You guys don't read, just listen. So <laughs> ne. So, here for the first time, I came to know that something should be done to reclaim the so called fallen women, and that Christians, whom Hindus considered outcast and cruel, were kind to these unfortunate women degraded in the eyes of society. I have never heard or seen anything of the kind done for this class of women by the Hindus in my own country. And कि कुछ तो किया जाना ज़रूरी है कि जो जिसे कहा जाता है कि गिरी हुई महिलाओं के लिए और उन मछियों के लिए जिन्हें हिंदू जो है वे अछूत की तरह देखते हैं और उन्हें दुष्ट करके देखते हैं और जिस तरह से यहाँ पर भलाई की जा रही है उन महिलाओं के प्रति जो समाज की नज़र में गिरे हुए हैं और मैंने कभी ऐसे सुना नहीं था ना ही देखा था इस तरह का भला कार्य किया जा रहा है महिलाओं के लिए और हिंदुओं के द्वारा मेरे देश में So you remember I told you that she was very curious and had learned about different religions. और आपको याद है मैंने कहा था आपसे कि वो बहुत ही उत्सुकता रखने वाली व्यक्ति थी और अलग-अलग धर्म के बारे में उसने सीखा था. And she was also very unpleased with how

और जो किस बात ने उसे मदद किया उठ खड़े होने के लिए मसीह के लिए खड़े होने के लिए जिससे महिलाओं के लिए वो खड़े रह सके और वो बात ये थी कि परमेश्वर ने उसे सिखाया था कि सबके साथ एक उनका स्वाभिमान बनाए रखकर उनके साथ बर्ताव करो सोच गिवसल द ऑपरचुनिटी टू लर्न अबाउट क्राइस्ट

और मैं कल्पना कर रही हूँ वह बहुत बेचैन हुई होगी सोचते हो कि मैं इसे कैसे पूरा कर पाऊंगी बिकॉज इन दोन स्टैंड अप एंड लीडिंग मोमेंट और क्योंकि इन दिनों में ऐसा होना मुमकिन था कभी किसी ने सुना भी नहीं था कि महिला उठ खड़ी हो रही है एक क्रांतिकारी काम करने की पहल कर रही है

And bring back the hungry and the destitute children and the women and give them refuge in this particular place. She started out with 20 girls. She brought back 200 of them. And in three years.

Next slide, we can see a picture of the Mukti missions when it had just started. You can see those huts that she was building. Are you listening? And the next slide, uh, this is inside one of the halls when it was a little uh, bigger.

और उसने बहुत ही सुंदर रीति से इस बात को लेकर आई कि जो आ, पर, जो मसीही मूल्य है और सामाजिक बदलाव में दोनों के बीच में एक तालमेल हो सकता है आई यू लिस्निंग दिस इज बिकम लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट इन्फ्लुएंस एंड द इम्पैक्ट दैट वी कैन हैव ऑन पीपल तो हम इस बात को जो है कम ना आंखें कि हम जो असर जो प्रभाव और जो असर ले आ सकते हैं लोगों के जीवनों पर Sometimes we might think, how can I do it? Uh, I don't have the resources. I'm not that well versed. और कभी-कभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि मैं इस तरह से कैसे प्रभाव ला सकता हूँ? मेरे पास इतने सारे साधन नहीं हैं, ठीक-ठाक से मैं चीजों को जानता नहीं हूँ। But even if it's just one person, लेकिन यदि एक व्यक्ति भी हो इन ऐसा किये आपने एक व्यक्ति के के साथ तो परमेश्वर के राज्य में एक, एक बहुत गुड वर्क्स एंड इंपैक्ट क्योंकि परमेश्वर जो है वो उसकी क्षमता बढ़कर है कि वो उसका इस्तेमाल करेगा असर ले आने के लिए और प्रभाव लाने के लिए

we can also lead हम भी अगुवाई कर सकते हैं just like her उसके जैसे ही we can also serve हम भी सेवा कर सकते हैं and just like her और उसके जैसे we can also fulfill god's plan हम भी परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं so let's start तो हम शुरू करें